Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. जहाँ हो वहीं रहना, भागने का प्रयास किया तो प्रहार कर देंगे। ये कैसा विचित्र स्वप्न देख लिया मैंने। इतनी रात हो गई, इन्हें तो आज रात्रि तक घर आ जाना चाहिए था, तो फिर इन्हें आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? कहीं ये कोई विपदा में तो। देखो यही है वो चोर जो चोरी करके भाग रहे थे, ले चलो इन्हें महाराज के पास। नहीं, हम लोग चोर नहीं है। पिताश्री, हम लोग कोई चोर वोर नहीं है, हम दोनों तो व्यापारी हैं। व्यापार संपन्न होने के पश्चात हम लोग घर को लौट रहे थे, तभी देखा कि ये संदूक वहाँ रखा हुआ था। हमें ऐसा लगा कि शायद ये हमारा होगा, बस गलती से हमने उठाकर इसे नाव में रख दिया। अब जो कहना है महाराज के समक्ष कहना, वही उचित न्याय करेंगे। बांध दो इन्हें। अरे अरे सुनिए, हम चोर नहीं है। आप समझते हैं, हम चोर नहीं है। नहीं, हम लोग चोर नहीं है। ये क्या देख लिया मैंने? पिताजी और स्वामी बेड़ियों में बंद। ये स्वामी जी अभी तक आए क्यों नहीं? मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। अरे कहां ले, हम कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया है। चलो। अरे छोड़िए। अरे हमने कुछ नहीं किया है। चलो चलो चलो। अरे सुनिए तो सही। महाराज यही हैं वो दोनों चोर। अरे नहीं नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? देखिए महाराज, हम लोग कोई चोर वोर नहीं है, हम लोग तो दोनों व्यापारी हैं महाराज, चोरी भला क्यों करेंगे? महाराज हमने कोई अपराध नहीं किया है, अवश्य ही आपके इन दोनों सैनिकों से भूल हुई है महाराज। नहीं महाराज, वो संदूक इनकी नौका से ही मिला था। जी महाराज, ये दोनों उसी नौका में चढ़ा रहे थे, यदि हमें थोड़ा सा भी विलंब होता तो ये दोनों संदूक के साथ निकल जाते। अरे नहीं नहीं महाराज, ये असत्य है। मेरे मन में ये कैसा भय है, ये माँ को बताया तो वो चिंतित हो जाएंगी। अभी अभी कलावती का विवाह हुआ है, उसको बताया मेरे मन में क्या चल रहा है तो वो बहुत बहुत विचलित हो जाएगी। अपराध और दोष के इतने प्रमाण तो हैं, लेकिन निर्दोष होने का एक भी प्रमाण नहीं। अपना अपराध स्वीकार करने का अंतिम अवसर दे रहा हूँ मैं तुम्हें। महाराज जो व्यापार के लिए आएगा वो भला चोरी क्यों करेगा? हाँ हाँ महाराज, ये उचित कह रहे हैं, हम लोग व्यापारी है महाराज, मैं आपको कह चुका हूँ। पर अपने व्यापार के पश्चात हम दोनों अपने घर को जा रहे थे कि तभी आपके इन दोनों सैनिकों ने हमें बंदी बना लिया। तुमने अपना अंतिम अवसर भी गंवा दिया है। असत्य बोलने वाले दया के नहीं दंड के पात्र होते हैं। नहीं, नहीं महाराज, मैं तुम दोनों को आजीवन कारावास का दंड देता हूँ। अरे नहीं महाराज, ये क्या कर रहे हैं महाराज? देखिए हमने कुछ नहीं किया है। छोड़ो। अरे अब यही रहो जीवन भर। अरे सुनिए तो सही। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो। जो व्यक्ति स्वयं के वचनों का मान नहीं रखते उन्हें स्वयं तो कष्टों का भागी बनना ही पड़ता है, किंतु उनके कर्मों का दुष्प्रभाव उनके परिवार, उनके आसपास के व्यक्तियों पर भी पड़ता है। जो दंड मुझे मिला उसका भागी भी था मैं,
क्योंकि बार बार अपने स्वयं के लिए हुए संकल्प को, अपने वचनों को, अपने प्रण को टाल रहा था मैं, उससे मुकर रहा था। माता के प्रिय पोते को जल देना टालकर ये भूल तो मैंने भी की है। पहले मैं स्वामी की शैया तैयार कर दूं, उसके बाद अवश्य तुम्हें जल दूंगी। इस प्रकार तो मैं भी दंड की भागी हूँ। कदाचित मेरी पुत्र वधुएं अपनी भूल समझ रही हैं। महाराज, मोर ध्वज की कथा से ये सीख मिलती है कि संकल्प उस वचन के समान होता है जो ईश्वर को ही नहीं दिया जाता है, अपितु स्वयं को भी दिया जाता है। इसलिए कोई भी संकल्प लेने से पहले अपने निश्चय की दृढ़ता को आंक लेना चाहिए, क्योंकि वचनों की देवी हैं देवी सरस्वती, जो बार बार अपने वचनों पर स्थिर नहीं रहते हैं उनसे ज्ञान की देवी रूठ जाती हैं। उनकी बुद्धि उन्हें पुनः विपरीत दिशा में जाने को प्रेरित करती है और उनसे भूल पर भूल होती जाती है। स्वामी, मैं जब वचन देकर बुकरी थी तो मेरे मन में कितनी ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ था। वचन पर स्थिर नहीं रहने से ही तो मैं भी अनुचित आचरण करने को प्रेरित हुई थी। प्रभु ब्रह्मदेव ने सर्वथा उचित कहा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं जब भी विपरीत परिस्थिति में उलझता था तो अपनी चतुराई, अपने ज्ञान के बल पर उस परिस्थिति से बाहर निकल आता था। किंतु उस दिन मैं महाराज चंद्रकेतु को विश्वास दिलाने में असमर्थ रहा कि हम दोनों निर्दोष थे, और इसके बाद भी कारागार में जाने पर अपने निर्दोष होने का प्रमाण देने का एक और अवसर मांगने के स्थान पर मैं राजा को ही भला और बुरा कहने लगा। एक योग्य राजा वो होता है जिसे न्याय की समझ हो, किंतु तुम्हारा राजा चंद्रकेतु अज्ञानी है, वो अन्यायी है, मूर्ख है, वो मूर्ख है तुम्हारा राजा। पिताजी, हमारे महाराज का अपमान हमारा अपमान है। पिताजी, स्वयं को संभालिए पिताश्री। कितने भी कष्ट दे दो, कितने भी कठोर कारावास में डाल दो, तू एक बात याद रखना, तुम लोग मेरी जिह्वा को बंदी नहीं बना सकते, नहीं बना सकते मेरी जिह्वा को बंदी तुम, जो राजा एक दोषी और निर्दोष व्यक्ति में भेद ना कर सके वो कोई राजा है? ऐसे राजा को मूर्ख कहना कोई अपराध नहीं, सुन लो, कोई अपराध नहीं। अभी तो कलावती से विवाह ही हुआ था, अभी तो हमने अपना परिवार आरंभ किया था, और अभी सब बिखर गया सदा सदा के लिए। वाह माँ और कलावती हमारी प्रतीक्षा में कितनी चिंतित होंगी, रोते रोते बुरी अवस्था में होंगी वो, और रोए भी क्यों ना, हमारे बिना वो कैसे जिएंगी, धन कहाँ से आएगा उनके पास। पुत्र, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, इस कारागार से अवश्य मुक्त होंगे हम, और उन दोनों को कुछ नहीं होगा, पूर्ण विश्वास है मुझे। मैंने बहुत धन बचा के रखा है, और वो सारा का सारा धन
लीलावती के पास है। उसे टूटे हुए संदूक में जिसके ऊपर भगवान जी की मूर्ति रखी है। मैं पुत्री को अपने दुःस्वप्न के बारे में नहीं बता सकती, अन्यथा वो चिंतित हो जाएगी। क्या हुआ पुत्री? माँ छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित हो उठती है, उन्हें अपने दुःस्वप्न की बात नहीं कह सकती मैं। शीघ्रता करो। हाँ, इन दोनों का ध्यान नहीं है, सब उठा लेते हैं। कुछ नहीं माँ, वो पिताजी और स्वामी अभी तक आए नहीं ना, तो बस इसी विचार से नींद नहीं आई। वो अवश्य मार्ग में हमारे लिए कोई विशेष लेने के लिए रुके होंगे, है ना माँ? नहीं पुत्री, तुम्हारे पिताजी की ध्यान व्यय करने की प्रवृत्ति कहाँ है? वो तो कौड़ी कौड़ी का भी हिसाब रखते हैं, लेकिन ना हमारी जमाई राजा वो तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। वो तो अवश्य तुम्हारे लिए कोई भेंट लेने के लिए रुके होंगे। अब तो वो यहाँ किसी भी समय पहुँचते होंगे। तो माँ हम बाहर चले, वहीं उनकी प्रतीक्षा करते हैं। हाँ, चले चले। तो आपने ऐसे स्थान पर तो रखा है ना धन, जहां उन्हें मिल जाए। पुत्र, भला ग्रह स्वामिनी से आज तक कुछ छुप सका है? जब पूर्ण विश्वास है कलावती उस धन को अवश्य ही ढूंढ निकालेगी। बस उस धन का व्यय वो थोड़ा संभल कर करे। अधिक व्यय करने से धन संपत्ति कहां बची रहती है? धनवान को भी निर्धन होने में समय नहीं लगता है पुत्र। माँ, ये कैसी ध्वनि थी? ये दोनों कौन है? चोर है, हमारे भगवान और हमारा सामान लेकर भाग रहे हैं। माँ चोर, रुको, चोर, अरे कोई हमारी सहायता कीजिए। चोर, अरे कोई है। चोर। तुम ठीक तो हो ना पुत्री? प्रभु, प्रभु, पुत्री, तुम्हारे पिता का सारा धन वो चोर लेकर गए। एक ओर मेरा परिवार भयंकर संकट में आ चुका था, जबकि दूसरी ओर कारागार में भी मुझे अपनी पत्नी और पुत्री की चिंता से अधिक अपने संचित धन की चिंता सता रही थी। और ये मुझे ज्ञात नहीं था कि मैं वो सब कुछ खो चुका था। जो भी धन मैंने घर में बचा कर रखा था वो सब जा चुका था।
दुर्भाग्य है प्रभु। क्या हुआ प्रभु, ये सब क्या हुआ? कुछ भी नहीं छोड़ा उन दुष्ट चोरों ने, सब कुछ ले गए। बताए पुत्र, मैंने ना एक बहुत बहुत डरावना सपना देखा था। हमारे स्वामी सैनिकों से घिरे पड़े थे, वो जैसे कि मानो किसी संकट में है। मैंने उन्हें बेड़ियों में बंधा देखा था। ये सब क्या हो रहा है माँ? हमारा भाग्य हमसे क्यों इतना रूठा है? मैं नहीं जानती पुत्री, ये तो भगवान ही बता सकते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई ना? स्वामी, आपने ही उन्हें दंड दिया है और आप विचलित भी हैं। हम विचलित किसके लिए होते हैं? जिन्हें हम अपना मानते हैं, किंतु जब कर्म फल की बारी आती है तो अपने पराये का भेद हट जाता है और व्यक्ति को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भुगतना पड़ता है। ये सब हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ? ये सब क्यों हो रहा है प्रभु? किंतु हमारा दुर्भाग्य तो अभी आरंभ ही हुआ था, अभी तो बहुत कुछ होना शेष था। लो, भोजन कर लो। अज्ञानी है, हमारे महाराज को न्याय करना नहीं आता, यही कहा था ना तुमने? तो अब देखो हमारे महाराज का न्याय। जिस मुख से तुमने उन्हें भला बुरा कहा है, उस मुख को अब ये भोजन प्राप्त नहीं होगा। अरे भोजन, भोजन दे, भोजन। लीजिए ससुर जी, आप ही खा लीजिए। भोजन ग्रहण कर पुत्र। तुम रिद्धि कुछ ही समय में विपत्ति में बदल गई, और एक ओर हम कारागार में भोजन के लिए तरस रहे थे, वहीं दूसरी ओर कलावती और लीलावती मुक्त रहकर भी कष्टों से मुक्त नहीं थी। Thank you.
मां, आप खाइए। दीपक को प्रज्वलित करने के लिए घृत और बाती दोनों ही आवश्यक हैं। यदि एक भी कम पड़ जाए तो दीपक की लौ लड़खड़ाने लगती है। उसी प्रकार यदि परिवार का एक भी सदस्य भूल करता है तो उसके परिणाम का फल परिवार के प्रत्येक सदस्य को भुगतना पड़ता है। परिवार में मधुरता, समृद्धि और समरसता के लिए प्रत्येक सदस्य उत्तरदायी है। क्षमता के अनुसार सभी को उसमें योगदान देना चाहिए और क्षमता से अधिक का संकल्प भी नहीं करना चाहिए और संकल्प होने पर उसे भंग भी नहीं होने देना चाहिए। साधु के परिवार में सभी सदस्यों का ये उत्तरदायित्व था कि साधु को उसके संकल्प से विचलित ना होने दें। परिवार का कोई भी सदस्य उनके स्थान पर व्रत कर सकता था, किंतु दुर्भाग्य से किसी ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए जब साधु अपने संकल्प में विफल हुआ तो उसके साथ उसका समस्त परिवार भी विफल हुआ। पितृवल्ली, पूजा सामग्री एकत्र करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, वो तुम कर लो। पुत्री देवसेना, तुम प्रसाद बना लो। माँ ने हमारे मध्य दायित्व बांटे भी थे, तब भी हम होड़ में ही थी, कितनी भूल कर रही थी हम। संपूर्ण परिवार अब अपार कष्ट भुगत रहा था। भोजन है, भोजन। सब नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, मेरा व्यापार। सब नष्ट हो गया, उस राजा ने सब नष्ट कर दिया, सब सब नष्ट हो गया, सब कुछ। छोड़ो मुझे, मत मारो मुझे। माँ, माँ, माँ संभालिए, माँ, माँ उठिए, उठिए माँ, माँ संभाल के। मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। श्री मैं हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। आपको कोई नहीं मार रहा ससुर जी, आपको कोई नहीं मार रहा। मैं हूँ ससुर श्री, मैं हूँ। हमसे ऐसे क्या भूल हो गई है जिसके लिए हम इतना कठोर दंड भुगत रहे हैं। माँ, छोटा सा घाव है, मैं अभी पट्टी कर देता हूँ, मैं अभी बांध देता क्या हो गया ये सर्प, सर्प, सर्प है वो। आई, उसे दूर करो मुझसे, सर्प को दूर करो मुझसे, दूर करो, मुझे बचाओ। वस्त्र है पिताश्री, वो वस्त्र है, वो वस्त्र है, वस्त्र।
सर। वो चोर पकड़ में आए जो हमारा सब कुछ चुरा कर ले गए, ना ही पिताजी और स्वामी का कोई समाचार मिला, पता नहीं वो कहां और किस अवस्था में होंगे। जो दो स्वप्न मैंने देखा था वो तो जैसे सत्य हो रहा है। आप अवश्य भूखी होंगी माँ, मैं भोजन जुटाने का कुछ प्रयास करूंगी माँ। हाँ, आप ध्यान रखिए। हो गई है हमारी, आप हमें भूल गए क्या? ऐसी क्या भूल हो गई हमसे जो ये दिन देखना पड़ रहा है? भूल नहीं, नहीं पुत्र, पुत्र भूल हमसे नहीं हुई है, हमसे नहीं हुई है कोई भूल पुत्र। ये भूल तो उस दुष्ट निर्दयी उस मूर्ख राजा की है जिसने हम दोनों को यहाँ इस भयंकर कारागार में डाल रखा है। हमसे कोई भूल नहीं हुई है, हमसे कोई भूल नहीं हुई है, हमसे कोई भूल नहीं हुई है। पुत्री, दिन ढले अंधकार हो जाए उसके पहले लौट आना, ये तो मुझे और चिंता होगी। प्रभु, आप ही हैं हमारा सहारा, आपसे ही है हमें आसरा, उसे मत तोड़िए प्रभु नारायण, हमारे विश्वास की श्वास को बनाए रखिए, नहीं तो आपसे विश्वास उठ जाएगा। दे दीजिए कुछ तो खाने को दे। जहां जाती हूं सभी द्वार बंद कर लेते हैं, अब क्या करूं? मां के लिए भोजन कहां से जुटाऊं? खाने को दे दीजिए।
कुछ तो दे दीजिए। थोड़ा सा कुछ तो दे दीजिए। यहाँ पूजा हो रही है, किंतु प्रसाद कहाँ है? भक्त कितनी भी भूलें क्यों ना करे, परंतु ईश्वर कदापि उन्हें अपनी कृपा से वंचित नहीं करते। अब तो बस देवी कलावती को प्रभु के इन संकेतों को पहचानने की देर थी। संकल्प लेकर उसकी उपेक्षा करना अपने अशुभ को आमंत्रण देना है।